गुड मॉर्निंग क्लास। सिर्फ हम लोग एप्टीट्यूड की श्रृंखला पढ़ रहे हैं, इसके बीच में हम आपको थोड़ा सा समय और दे रहे हैं आवश्यक सूचना के रूप में। हमने आपसे 2 महीने की फीस मांगी थी, आप लोगों ने 2 महीने की फीस नहीं जमा की, हम इंतजार कर रहे हैं। आज 24 तारीख भी हो गई, 29 तारीख को आपके पेपर भी खत्म हो जाएंगे, तो क्या आप अपनी पेपर की कॉपियां नहीं चेक करवाएंगे? कॉपियां भी चेक करवाएंगे तो फिर कैसे होगी? हमने आपसे कहा 2 महीने की फीस जमा करिए और यहां आकर एक स्लिप ले लीजिए, वह स्लिप अपनी कॉपी पे टैग करके लाएंगे, तभी हम बंडल जमा करेंगे आपके। आप अच्छी तरह सुन लीजिए, हम नहीं जमा होने देंगे, और जमा धोखे में कर भी जाओगे तो हम आपकी उसकी चेक नहीं करेंगे, और चेक नहीं करेंगे तो नंबर क्या चढ़ेंगे, तो आप जुड़ेंगे नहीं, क्योंकि आपके रजिस्टर को कोई मेंटेन है नहीं कि इस पर लिख जा रहे हो आप कि कर जा रहे हो। तो इसलिए सब आप कुछ ना करें, आप बस 2 महीने की फीस जमा कर जाएं और कुछ नहीं करना है, और अपनी एक स्लिप ले जाए एडमिट कार्ड टाइप की और उस पर टैप कर दें और अपना जैसा चला रहे हो पेपर का वो सिस्टम चलाते रहो, क्योंकि स्कूल अब जल्दी ही खुलेंगे और जब खुलेंगे तब आप क्या करेंगे, तब आपको तो हम नहीं बैठने देंगे, 0 रखेंगे आपका। क्यों? आपके 2 एग्जाम निकल जाएंगे, फर्स्ट टर्मिनल निकल गया, सेकंड ये निकल रहा है, फिर आप किसी के मतलब के नहीं रहेंगे और फीस फिर भी आपको पूरी जमा करने पड़ेगी, तो जमा करने पड़ेंगे तब आपको फिर कोई दिक्कत। तो इसलिए आप 2 महीने की फीस को यहां जमा कर दें और अपना काम चालू करें। तो एप्टीट्यूड के अंदर हमने कल एक कोड श्रृंखला पढ़ाई थी, ये आपने कोड मैसेज देखे थे, तो भाई ये कोड मैसेज आपकी बुक में लिखे हैं, इसी कोड मैसेज को देखते देखते ये पीछे का पेज भी करेंगे आप। जैसे हमारा एन कितने नंबर पर है तो हम एन यहां देखते हैं, हमारा एक माइनस का साइन बना है, फिर हमारा ई कितने नंबर पे, 4 नंबर पर है तो 4 नंबर लिख देंगे, तो ये आप अपने आप स्वयं कर लेंगे। अगली कोड की संख्या हम आपको फिर से, इसमें भी कोई चीज है कुछ नहीं लेकिन है वही, लेकिन हम आपको कोड छोटे रूप में है। अब जैसे के की वैल्यू 1 है, ई 2 है, ई 3 है, ई 4 है, ये आपको दिख गया, तो पी की वैल्यू यहां कितनी है, पी, तो पी का 4, तो हम 4 नंबर लेते हैं, ई 2 और 3, तो हम 2 और 3, या हम 3 लिखते हैं, उल्टा लो 3-2 लिख दिया, आप 2-3 भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों ई है सामने आपको। अब आया हमारा के की वैल्यू क्या है, 1, तो 1 लिख दें, आप यहां 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, इसे कोई दिक्कत नहीं, हमने 4-3-2-1 कर दिया, क्योंकि जे आपने देखा होगा कि लास्ट वर्ड फर्स्ट वर्ड मिडिल नंबर और फर्स्ट वर्ड लास्ट नंबर बन गया, तो हमने अंक भी वैसे ही कर दिए। अब जरा देखो बी 2 है, ई 7-7 है, ए 5 है, एन 4 है, टी एस है, तो बैट लगाना है, तो बी की वैल्यू देखो 2 है तो 2 लगा दो, ए की वैल्यू 5 है तो 5 लगा दो, टी की वैल्यू 3 है 3 लगा दो, तो ये आपका कोड भर गया। तो इस तरह से ये कोड भरने थे। अब तीसरा है 12 का भरना है, तो देखो बी की वैल्यू इस तरह से दी गई उन्होंने हैच टाइप की, ऐसे करके ऐसे बना दी हैच। अब ए की वैल्यू दी है, एक स्टार बना दी, तो स्टार ऐसे बना दो। अब आर की वैल्यू एक डॉलर साइन करके दी है, तो डॉलर एस बना के ऐसे साइन बना दो, तो ये हमारा 12 बन जाएगी। ऐसी फोर्थ में एल 1 है, ए 2 है, डी 3 है, आर 4 है, ओ 5 है, पी 6 है, ई 7 है, ई 8 है, अब देखो दूसरे में ई जो है वो 8 दी है, फिर जी 9 दे दिया है, तो एप्पल में बनानी है आपको,
जो है वो सेवन भी डाल सकते हो, एट भी डाल सकते हो, तो क्योंकि दोनों ई है तो हमारे पास ए, पहले ए की वैल्यू देखें हम, तो ए की वैल्यू टू है, फोर्थ क्वेश्चन है, ए की वैल्यू टू। अब पी पी दो बार पी आ गया है तो सेम वैल्यू रहेगी, पी की वैल्यू सिक्स है तो सिक्स रहेगी। अब एल, एल की वैल्यू वन तो वन, और इसकी ई की वैल्यू आप सेवन लगा दो या एट लगा दो, तो हम सेवन लगा रहे हैं, सेवन, लेकिन एक खाना बच रहा क्योंकि डबल ई तो है नहीं इसके अंदर, तो अगर आएगी में तो डबल ई होनी चाहिए तभी तो एक खाना पूरा होगा। तो एप्पल में पांच वर्ड है तो पांच हमें फोर लगा दिए। ऐसे ही देखो टीओ, टी की वैल्यू वन, ओ की वैल्यू टू, आई एल एल थ्री फोर फोर एंड ए पी फाइव सिक्स सेवन। तो टी, टी की देखो, टी की वैल्यू वन है, अब आई, आई में थ्री, एन, एन में फाइव, तो हमारी वन थ्री फाइव आपकी कोड भर गई। तो कोड मैसेज में आप ऐसे ही और आगे करेंगे, ये आप कर सकते हैं। तो आपको ये होमवर्क टाइप के रहेंगे कोड वर्ड, ये कोड वर्ड आपको दिए जाएंगे तभी आप इसमें से भर सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो कोड आपको ध्यान में रखना पड़ेगा।